4। रायगढ़ के खरसिया थाना के अंतर्गत आने वाले SKY अलायंस कंपनी में 2 माह पूर्व बनाए गए सेलो टैंक मजदूरों के ऊपर भरभरा कर गिर पड़ी। टैंक में भरे गर्म राख की चपेट में आकर 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की सूचना के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। दरअसल खरसिया क्षेत्र के SKY अलायंस पावर कंपनी में पिछले 1 सप्ताह पूर्व लगाए गए सेलो टैंक का निरीक्षण कर इंजीनियर ने ओके सर्टिफिकेट दिया था, जहां टैंक के नीचे वेल्डिंग का कार्य दर्जनों मजदूर कर रहे थे। इसी दौरान कार्यरत मजदूरों के ऊपर गर्म राख से भरी सेलो टैंक गिर गई। घटना में 3 मजदूरों की मौत हो गई और 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें बेहतर उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं कार्यरत कर्मचारी सेलो टैंक की गुणवत्ता और कंपनी की लापरवाही को लेकर खासे नाराज हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि घटिया निर्माण के चलते 2 माह के भीतर बना सेलो टैंक गिर गया है। हादसे के बाद प्रबंधन और ठेकेदार नदारद हो गए हैं। दोषियों पर कार्यवाही की जानी चाहिए। तो वहीं मौके पर मौजूद एडिशनल SP ने बताया कि 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई है। टैंक के नीचे दबे 1 मजदूर को निकाला गया है और 2 मजदूरों को निकालने का काम किया जा रहा है। बताइए घटना के बारे में। घटना ये हुआ कि आदमी वहाँ पर गया था काम करने के लिए, 2 महीना पहले सेलो बना है। अभी आज के डेट में घटना हो गया, 3 आदमी खत्म हो गए, 2 आदमी घायल हैं। उसमें मेरा बड़ा भाई है, बिहार के 2 आदमी हैं, 3 आदमी हैं। कितने की मौत हुई है? 3 आदमी का मौत हुआ, जिसमें 1 छत्तीसगढ़ का है, 2 बिहार का है। क्या कह रहे हैं अधिकारी आपके? अभी अधिकारी तो किसको पता नहीं है, जो काम करवाए वो यहाँ से भाग गया, फरार हो गया। अब पुलिस लोग आए हैं, अब ये लोग क्या बोलेंगे, क्या करेंगे। बॉडी को तो अभी अंदर रखा हूँ मैं। क्या लगता है जो स्ट्रक्चर निर्माण किया गया है घटिया क्वालिटी का था? पूरा घटिया क्वालिटी था, नहीं तो 2 महीने में सेलो गिरने वाला है क्या? कब से काम कर रहे थे? काम तो मैं शुरू से ये प्लांट जब से बैठा तब से मैं प्रोजेक्ट काम कर रहा हूँ। तो सबसे बता दो, लमसम हमको प्लांट में काम करते हुए 10 साल हो गया। यहाँ जो है ये तो गिर गया है, आप सबको तो मालूम ही है, है ना? तो 5 आदमी तो फिलहाल के लिए मिले हैं। अभी 5 आदमी ना, जिसमें 2 आदमी को हॉस्पिटल लगाया गया था, 2 आदमी हॉस्पिटल गए हैं। 3 गिलास दिख रहा है, जिसमें 1 गिलास दबा हुआ है, 1 गिलास उधर है और 1 गिलास यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो हम लोगों का कहना है कि ये लोग कंपनी एम्प्लाई हैं, तो कंपनी एम्प्लाई हैं, तो इन लोग PIS जो है सब कटता है इन लोगों का, तो इन लोगों को बराबर मुआवजा मिलना चाहिए। और जो इनका परिवार है उनको नौकरी मिलना चाहिए और पेंशन मिलना चाहिए, जो इनकी बीवी है, क्योंकि PF SI दोनों कटता है, है ना? हम लोगों को ये चाहिए इन लोगों का। और जो वो लड़का है जिसका 6 बहन में 1 भाई था, ठीक है, वो वहाँ पे उसका लाश पड़ा हुआ है, तो उसका भी हम लोगों को मुआवजा चाहिए, उसके मतलब नौकरी चाहिए। और उस पालने वाला कौन है उसका? कोई यहाँ पालने वाला कोई नहीं है, एक लड़का था। हादसा कैसे हुआ? हादसा ये गिर गया सर, यानी कि ये जो अरे बनाने वाले हैं, ये कंपनी है, उसका लापरवाही है ये, तब तो गिरा है वो, बिना लापरवाही का तो नहीं गिरेगा। कंपनी बनवाने में लापरवाही किया है तो वो गिर गया। SKY कंपनी में यहाँ मतलब कोई सेफ्टी लेबरों को नहीं है, और इसलिए आज बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ है यहाँ पे। और मतलब टैंकर गिरने से, डस्ट वाली टैंकर गिरने से 3-4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और इसीलिए हम भाजपा के कार्यकर्ता और गांव वाले पूरे यहाँ एकत्रित हुए हैं परिवारजनों को मुआवजा दिलाने के लिए और उनके परिवार को नौकरी मिले, और इस विषय में मतलब यहाँ सब आंदोलन के लिए आए हैं, और पुलिस प्रशासन मतलब दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। खरसिया में जो स्काई अलायंस कंपनी है, वहाँ पे एक आज सुबह करीब 9 से 10 बजे के जो हादसा हुआ था, जिसमें फ्लाई एस का एक जो टैंक है उसमें 5 लोग काम कर रहे थे, उसके गिरने से 2 लोग घायल हुए, जिनको हॉस्पिटलाइज किया गया, रायगढ़ रेफर किया गया है। रेस्क्यू के दौरान 2 डेड बॉडी निकाली गई है और 1 व्यक्ति अभी भी फंसा हुआ है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसको भी निकालने का प्रयास किया है। सर, कंपनी का कहना है कि कुछ लापरवाही सामने आ रही है, ये सभी अभी रेस्क्यू का काम चल रहा है, बाकी जांच में जो चीज़ें आएंगी उसके हिसाब से आगे करेंगे। रायगढ़ से सुरजीत कौर के